हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यामी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन रिच नाश्ता। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी जो है वो बेसन लिया है और इसके अंदर हम दो बड़े चम्मच जो है वो दही के डालेंगे। ये काफ़ी अच्छा गाढ़ा सा दही है, आप कोई भी दही ले सकते हैं। और देखिए, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से व्हिस्क करना है ताकि काफ़ी अच्छा फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। और जैसे ये अच्छी तरह से हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे सीजनिंग के लिए। आप चाहें तो थोड़ा सा अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना है, मीडियम कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इसको हम साइड पर रख देंगे। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सब्जियां भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहली सब्जियों को काट के रखा है। थोड़ी सी कैप्सिकम है, इसको छोटा छोटा काट लिया है। टमाटर को काटा है, टमाटर की सिर्फ स्किन लिया है। थोड़ा सा पनीर है, उसको हम थोड़ा सा इस तरह से जो है उसको बारीक बारीक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्प्राउट्स मूंग दाल के लिए हैं, गाजर, हरी मिर्च, प्याज और धनिया। तो देखिए, यहाँ पर हमने पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, ग्रीस कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालने की ज़रूरत है। और दो बड़े चम्मच जो है बैटर के डालेंगे, उसको स्प्रेड कर लेंगे। गैस की फ्लेम जो है हम आहिस्ता ही रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से थिक सा बैटर चाहिए हमें, तो हम इसके अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और इसको हम ढक कर लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही ये अच्छी तरह से ऊपर से पक जाएगा, ये देखिए, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे या देसी घी आप डाल सकते हैं। और इसको 1 मिनट पका कर अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको जो है उल्टा कर देना है। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, आप इसको नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएँ तो अच्छा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक साइड पर जो है अब हम थोड़े से चीज़ स्लाइसेस डाल रहे हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हैं। अब सारी की सारी सब्जियां हम थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे, आप अपने हिसाब से इसमें सब्जियां कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो स्प्राउट्स डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ हम जो है इसके ऊपर थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा हम प्याज और थोड़ा सा इसके साथ साथ हम हरी मिर्च और पनीर डाल देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर नमक और जो है काली मिर्च रख देंगे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पनीर डालकर अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हो गया है। आप चाहें तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, बहुत ही यामी सा टेस्टी ये बनके तैयार होता है। आप इसको पीसेस में कट कर सकते हैं और इस तरह से सर्व कर सकते हैं।